नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं गाउन का वीडियो आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। ये गाउन मैंने एक पुरानी साड़ी से बनाया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साड़ी है जिससे मैं गाउन बनाने जा रही हूँ, और ये साड़ी कई बार यूज में आ चुकी है। और ये इस तरह से इसका बॉर्डर है, और ये साड़ी 5 मीटर की है। तो यहाँ पर गाउन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, अस्तर का 3 मीटर है जो कि, तो इससे अपर बॉडी निकाल लेंगे। यहाँ जो भी मेज़रमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे लंबाई में इस तरह से ये फोल्ड किया है, और अब इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ इस तरह कटिंग कर ली है मैंने। तो ये 5.5 लिया है मैंने, और इधर से भी ये 6.25 रखा है मैंने। इसका आर्म होल लेंथ जो है वो 6.25 है, और इधर से भी 5.5 ही रहेगा। और अब बैक वाला जो आर्म होल है वो 6 रखा है, और फ्रंट का 5.5, और ये शोल्डर है दोनों तरफ 5.5, और बैक साइड में 6 इंच। अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ये इस तरह, और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस्ट का 1/4 लेंगे, प्लस मार्जिन लिया है मैंने 2 इंच यहाँ पर, और ऐसे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। ये बैक का लगाया था, फ्रंट का लगा रही हूँ। और यहाँ पर अपर बॉडी जो है उसकी लेंथ जो भी रखनी हो, यहाँ पर मैंने 16 इंच रखा है लेंथ उसकी, यहाँ 10 है तो इससे 1/2 इंच कम कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ और मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, तो ये दोनों लाइन जो है वो मिला लेंगे ये सिलाई की, और अब ये कटिंग की लाइन है, और अब कटिंग कर लेंगे। तो जो बैक पार्ट है पहले उसकी कटिंग करेंगे, फिर ये फ्रंट को अलग से मैंने कट कर लिया है। और अब ये जो नीचे का जो घेर है वो अम्ब्रेला में नहीं हो पाएगा, तो मैंने स्ट्रेट ऐसे ही कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं गाउन के घेर की कटिंग करने जा रही हूँ। तो जो साड़ी है उसे इस तरह से कोन में ऐसे फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड है, और ये वेस्ट का 1/2 है, और 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने, और इस तरह से ये मिला लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे लाइन। और यहाँ इसकी जो लेंथ रहेगी वो फुल लेंथ, गाउन की जो फुल लेंथ है उसमें से अपर बॉडी की जो लेंथ है उसे माइनस करके जो आएगा वो घेर उससे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये घेर का निशान लगा रही हूँ मैं, जिस तरफ बॉर्डर है वहाँ पर ये बॉर्डर को मैं निकाल लूँगी, और आप पहले भी बॉर्डर निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है यहाँ पर। और जिस तरफ बॉर्डर है उस तरफ कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है, तो वहाँ जो है वो जोड़ लगेगा। तो ये एक तरफ निशान जो है वो पूरी लंबाई की लगा ले रहे हैं, और एक तरफ जो है वो जोड़ आएगा। ये बॉर्डर मैंने निकाल लिया है और कटिंग भी कर ली है घेर की। ये एक तरफ का घेर है, अभी दूसरे तरफ का भी घेर सेम इसी तरह से कटेगा। तो अब ये दूसरी साइड का है, तो यहाँ भी सेम वैसे ही वेस्ट का 1/2 लिया है मैंने, प्लस मार्जिन लिया है 2 इंच, और ये लेंथ ले लेंगे, और एक तरफ जो है वो जोड़ आएगा। तो इसी कपड़े में से निकाल कर कपड़ा जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। अब अपर बॉडी जो है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे साड़ी जो है उसकी उसे 4 फोल्ड कर लिया है मैंने, और अब जो है कटिंग हो चुकी है अस्तर की भी और साड़ी की भी। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपर बॉडी जो है इसकी सिलाई कर रहे हैं चारों तरफ से, मैं ये इसे सिल ली हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे बाद में। तो इस तरह से एक तरफ का ही, और ये फ्रंट और बैक दोनों में सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कट कर ले रही हूँ मैं जो भी अधिक आ रहा है, और इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है।
ये दोनों आगे और पीछे का भाग है। और अब फ्रंट में जो है ये नेक बनाना है, तो यहाँ पर नेक जो है वो पाम शेप में लिया है मैंने, तो इसकी जो नेक की ब्रॉडनेस है वो 3 इंच रखी है मैंने, और सेंटर में कट का निशान लगाया है, और दोनों साइड से 3-3 इंच लेकर इस तरह से उससे मार्क कर लिया है, और ये पेस्टिंग पेपर को कट कर लिया है मैंने। नेक का वीडियो मैं इसके पहले भी आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से लिंक्स पे क्लिक करके देख सकती हैं वीडियो। अब फ्रंट पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में ऐसे निशान लगा लिया है, और इधर ऊपर में कट का निशान लगा लिया है, और अब इसे दोनों का सेंटर मिलाते हुए बीचों बीच इस तरह रख लेंगे, और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। एक जो निशान लगाया था ऐसे चौक से, उसी पे बिल्कुल बीचों बीच रख के कपड़े को, और फिर अब ये किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। पेपर पेस्टिंग के नीचे सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है, और दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ये बैक पार्ट है, और इसमें भी बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, तो इसकी जो इसकी ब्रॉडनेस ली है मैंने 3 इंच, और फिर इसकी लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच रखी है, 8 इंच, और ये राउंड शेप में रहेगा। इस तरह से इसकी अब कटिंग कर लेते हैं, और इसकी जो अस्तर का कपड़ा है उसे ऐसे उरेब में कटिंग की है मैंने, और अब इसके इसे इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसे उरेब कटिंग की है जिससे कि अच्छे से बैठ जाएगा, और छोटे छोटे ऐसे कट लगा लेंगे जिससे कि घुमाव में आसानी रहेगी। जहाँ पर भी घुमाव रहता है वहाँ पे ऐसे कट लगा लेने चाहिए। और अब ये टॉप की स्टिच लगा रही हूँ, और अब इसे फोल्ड करके इस पे लग कर लेंगे, और फिर पलट कर इसे तुरपाई कर लेंगे। फिर अब शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, और अब इसमें बाजू लगाना है। जो बाजू लगा रही हूँ मैं उसमें हाफ लाइनिंग रहेगी, थोड़े 5 से 6 इंच की ये अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने, और इसे सेम वैसे ही कटिंग कर लेंगे जिस तरह से बाजू की कटिंग होती है। और अब नीचे से ये फोल्ड करके जो स्लीव बनाई है मैंने, 17 इंच की स्लीव रखी है मैंने, साड़ी से कटिंग की है, उस पर इसे अटैच कर दूँगी इस बाजू को। और ये दोनों जो है वो नीचे से फोल्ड हो चुका है, और ये स्लीव है बाजू। अब इस पे जो लाइनिंग का कपड़ा लिया था मैंने उस पे सिल लूँगी, तो पहले इसे नीचे से फोल्ड कर ले रही हूँ दोनों तरफ से। ये दोनों जो है बाजू इसे फोल्ड कर लेंगे, और ये जो कपड़ा है इस पे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सेंटर में ऐसे कट का निशान लगा के और इसे ज्वाइन कर लेंगे, ऊपर की तरफ से सिल लेंगे, और नीचे में भी सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये इधर उधर ना खिसके।
अब स्लीव्स जो हैं उसे अटैच कर लेंगे। तो ये सेंटर में रखते हुए इस तरह से स्लीव को दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती में स्लीव जो है वो किस तरह से अटैच करना चाहिए इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, और सूट को अल्टर करने का भी वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी स्लीव जो है वो लग चुकी है दोनों साइड से, और ये थोड़े दूर अस्तर का कपड़ा है स्लीव्स में। तो अपर बॉडी जो है वो बनकर तैयार है, और ये जो घेर है इसमें कपड़ा जो है वो साइड से मैंने इस तरह से ये जॉइंट लगाया है, उसकी सिलाई कर लेंगे पहले जो भी जॉइंट था। तो घेर पे इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे जॉइंट कर लिया है दोनों तरफ से। और अब ये अस्तर का कपड़ा है नीचे के घेर का है। अब ये घेर जो है फ्रंट और बैक दोनों को आपस में ये जोड़ लिया है मैंने, ऐसे इससे जोड़ लेंगे पहले, और अब ये नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक है उसे भी आपस में एक दूसरे से फ्रंट और बैक को जोड़ लेंगे। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े जगह पर मैं ऐसे टक कर ली हूँ जिससे कि प्लीट्स बनाने में आसानी रहेगी। ऊपर का जो मेन फैब्रिक है वो अम्ब्रेला में है तो उसमें प्लीट्स नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो नीचे का घेर है वो अम्ब्रेला में नहीं कट किया है, उसे सिंपल ऐसे ही स्ट्रेट रखा है। तो लाइनिंग वाले कपड़े में इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स कुछ कुछ दूरी पर बनाते जाएंगे। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग जो है वो आपस में ज्वाइंट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों में, इस तरह से हो गया है। और अब ये अपर बॉडी है तो इसमें साइड की सिलाई, फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो एक साइड ही सिलाई लगाएंगे इसे। अब अपर बॉडी को घेर से अटैच कर लेंगे। घेर जो है वो अटैच हो चुका है अपर बॉडी से, तो अब दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की जो आपका मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा नीचे तक। ये नीचे का घेर है तो इसे भी फोल्ड कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर बॉर्डर को अटैच करना है। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने, और फिर इसके बाद उस पर बॉर्डर अटैच कर लूँगी। Thank you.
बॉर्डर को इस तरह से पूरे गोलाई में अटैच कर लेंगे और फिर अब ये गाउन जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये इसका फाइनल लुक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।